देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कि संसद के सभी कर्मचारी अधिकारी जिनकी कड़ी मेहनत अथम परिश्रम से हमने भारत के लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया और इस लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा में इस संसद के माध्यम से लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो, लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास गहरा हो, उनकी आस्था बढ़े, उसके लिए आपका भी सहयोग और आपको भी इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि इस लोकतंत्र की यात्रा में आप सहभागी बने। और इसके साथ साथ आपके बेटे और बेटियां, जो हमारा परिवार है, लोकसभा हमारा परिवार है और परिवार होने के नाते एक लंबे समय तक हम साथ साथ काम करते हुए अपने सभी कुछ दुखी सबका बंटवारा यहां पर करते हैं। एक अच्छा वातावरण सबके सहयोग से बने, इसके लिए समय समय पर लोकसभा सचिवालय की कल्याण शाखा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि लोकसभा सचिवालय की कल्याण शाखा को लगना चाहिए कि हमारा जो लोकसभा परिवार है वो बहुत संगठित परिवार है संगठित होने के साथ साथ हम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्मों को सब मिलकर एक दूसरे को खुशी बांटने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे बेटे बेटियों को भी इस संस्था का लाभ मिले। जो कुछ भी इस संस्था के पास लोकतंत्र के पहले, लोकतंत्र के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है, चर्चा है, संवाद है, कानून की बात है, हमारी लाइब्रेरी है, उन सबका लाभ भी लोकसभा सचिवालय के परिवार के बेटे बेटियों को मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम कर सके, एक नए भारत का, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे सके, भारत की विकास यात्रा में, भारत की नई सोच में, नए इनोवेशन में, नए रिसर्च में उनका भी योगदान रहे। इसीलिए लोकसभा सचिवालय के परिवार के लोग इस जो हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी है, हमारा बेस्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ रिसर्च विंग है, उसका लाभ इन सभी मेधावी छात्रों को, सभी छात्रों को मिलना चाहिए,
ताकि आने वाले समय में देश के अंदर कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें लोकसभा के कर्मचारियों का बेटा और बेटी अव्वल रहे, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। मैं आज उन सभी बालक बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनको मेधावी पुरस्कार मिला है। उससे इन पुरस्कारों से और लोगों को, नौजवानों को प्रेरणा मिलती है, हमारे साथियों को प्रेरणा मिलती है, वो भी और कड़ी मेहनत कड़ी परिश्रम कर अगली बार मैं भी पुरस्कार प्राप्त करूं, इसके लिए ये पुरस्कार समारोह के आयोजन किए जाते हैं। मुझे आशा है कि ये 2017, 18, 19, 20, 21 पांच साल के मेधावी छात्रों को पुरस्कार मिला है। कुछ कोरोना के समय कुछ और कारण रहे होंगे, लेकिन कोशिश करें कि हर वर्ष का पुरस्कार दें ताकि अगली बार और नए छात्र इनसे प्रेरणा लेकर और कड़ी मेहनत करें, ताकि भविष्य में हम ये कह सके कि लोकसभा परिवार केवल कार्य करने में ही श्रेष्ठ नहीं है, उनके पुत्र और पुत्री भी पढ़ने में श्रेष्ठ है, ये संदेश हम सब जगह पहुंचा सके। इसी के साथ साथ मैं कल्याण शाखा से ये भी आग्रह करूंगा कि वर्ष भर का कैलेंडर बनाए और वर्ष भर के कैलेंडर में हम किस तरीके की सामान्य आयोजन किए जा सकते हैं, कैसे हमारी संस्कृति हमारी कार्यप्रणाली में श्रेष्ठता आने के साथ साथ एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, एक पारिवारिक माहौल, लोकसभा सचिवालय का हर परिवार एक दूसरे परिवारों से उसके निकट का संबंध हो, क्योंकि सब अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा से आते हैं, लेकिन ये परिवार एक ऐसा संगठित परिवार होना चाहिए, जैसे हम लोकतंत्र में कहते हैं कि विविधता ही हमारी ताकत है, विशालता हमारी ताकत है, इसी तरीके से इस लोकसभा सचिवालय के अंदर भी हमारी अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कार्य प्रणाली, हमारी विविधता हमारी ताकत है, और किस तरीके से हम सामूहिकता के साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं और श्रेष्ठ काम करते हैं। हमेशा जब लोकतंत्र के अंदर सचिवालयों की चर्चा हो तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा सचिवालय का कार्य श्रेष्ठ भी है और प्रेरणा देने वाला भी है, ताकि हम देश की और लोकतांत्रिक संस्थाओं को वहां की परंपरा, वहां की कार्यप्रणाली में और कुशलता ला सकें। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार चर्चा करते रहना चाहिए और नए इनोवेशन करना चाहिए। बदलते तकनीकी प्रौद्योगिकी के युग में हम किस तरीके से अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, इसके लिए लगातार प्रयास हमारे होते रहना चाहिए, और इसके लिए भी लगातार अच्छे कर्मचारियों को भी हम पुरस्कृत करें, और उसके साथ साथ जो हमारी फैमिली के परिवार के लोग हैं उनकी गेट टुगेदर होती रहे। मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और आने वाले समय में हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर वर्ष भर इसी तरीके से उत्साह, उमंग, उल्लास, पुरस्कार वितरण और हमारी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पद्धतियों
को आदान प्रदान करते हुए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करने में हमारी भूमिका हो, जनप्रतिनिधियों को हम बेस्ट सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए उनके सहयोग कर सकें ताकि वह सदन के अंदर एक बेहतर कार्यकुशलता से काम कर सके और हम उनके सहयोग के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रूप से उनको सहयोग देते रहें। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।